नमस्कार जी। संसार क्रांति की टीम इस समय मौजूद है सरकारी हॉस्पिटल जींद में और यहाँ कुछ स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर हैं। यहाँ हमारे साथ हैं संदीप कुंडू जी, हम इनसे जानते हैं क्या मांगे हैं। सर, मैं संदीप कुंडू, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन जिला जींद का जिला प्रधान। सर, हमारी कुछ मांगे हैं। 4200 ग्रेड पे लागू करवाना, हम टेक्निकल काम करते हैं, हमारी मांग है हमें टेक्निकल किया जाए। हमारी आरसीएच की बहनें 20-20 साल से नौकरी में हैं, हमारी मांग है कि 2 साल की सेवा के आधार पर रेगुलराइज जो ड्राफ्ट बना रही है सरकार, उसके अंदर उनको शामिल किया जाए। हमारा ड्रेस अलाउंस लागू किया जाए, FTA बढ़ाया जाए। तो इस तरह की कुछ सर हमारी मांगें हैं जो कि 2015 से लगातार लंबित चल रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वीकृत कर रखी हैं, महानिदेशक से स्वीकृत हो चुकी हैं, CM साहब से अप्रूव हो चुकी हैं, लेकिन वो वित्त विभाग में पड़ी हुई हैं। इसी के रोज स्वरूप हमने सर 15 जुलाई को करनाल में CM सिटी में रोज प्रदर्शन किया था। उसके बाद लगातार महानिदेशक से हमारी बातचीत रही है, लेकिन मांगे सिरे नहीं चढ़ी हैं। उसके बाद हमने 16 से 18 अगस्त कर्मी कंसर्न भी किया है और उसके बाद भी 23 तारीख को ACS और DG के साथ हमारी मीटिंग हुई, लेकिन वहाँ भी कोई कार्रवाई जो है नहीं हुई। कर्मचारियों में सर बड़ा रोष है और इसी रोष के चलते आज कलम छोड़ हड़ताल हमने शुरू की है, बेमियादी हड़ताल है, अनिश्चितकालीन। जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करेगी, हम कलम छोड़ के यहाँ पर बैठे हैं और सरकार को आपके माध्यम से हमारा अल्टीमेटम है, संदेश है कि वो हमारी मांगें पूरी करें। हमारा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि हम जनता को असुविधा पहुँचाएँ या जनता को परेशान करें, लेकिन सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही है, इसलिए हम मजबूरीवश यहाँ बैठे हैं जी। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए संसार क्रांति की टीम के लिए। मैं रणवीर फोगाट, संसार क्रांति।